साई साई की ये भयानक आवाजें तुम्हारे मन में भय उत्पन्न कर रही होंगी, पर डरो मत, ये मैं हूं, कभी न अलग होने वाला तुम्हारा साथी, जो सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। हां, ये मैं हूं वायु। मैं सारे संसार में ऑक्सीजन प्रदान करता हूं, जो तुम्हारा प्राण तत्व है। इंद्रियों के माध्यम से तुम मेरे स्पर्श का अनुभव करते हो, फूलों की रसीली गंध तुम मेरे ही प्रवाह में प्राप्त करते हो, मेरे स्नेह में लहराने वाले हरे भरे वृक्ष वनस्पतियां मेरे ही स्वच्छ झोंकों में श्वास ले प्रफुल्लित होते हैं। तभी तो लोग मुझे पवन देव के रूप में पूछते हैं। मैं भले ही अदृश्य हूं, लेकिन मेरे ही प्रवाह में संसार प्रवाहित है। किंतु आज तुम मेरी बदली परिस्थितियों के कारण मुझसे ही घृणा करने लगे हो, क्योंकि प्रदूषण ने तुम्हारा जीना दूभर कर दिया है। आखिर इस दुर्दशा का जिम्मेदार कौन? तुम मनुष्यों के श्वास द्वारा निकली हुई दूषित वायु को शुद्ध करने के लिए प्रकृति माता ने पेड़ पौधों की रचना की है। ऊंची अट्टालिकाएं बनाने, सुख साधनों को जुटाने हेतु तुमने प्रकृति को नष्ट किया। कल कारखानों के धुएं के बादल व मोटर यानों जैसे परिवहन साधनों की दुर्गंध से मुझे दूषित किया। यही नहीं, तुमने हर तरह अपना स्वार्थ ही सिद्ध किया। मनुष्य हमारे सखा हैं, दोस्त हैं। तुम्हें खुशियां देने के लिए ही हमारी रचना हुई है। वास्तव में प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते करते मनुष्य के कर्म ही भ्रष्ट हो चुके हैं। इसलिए सावधान, जागो और इस सत्य को महसूस करो कि मानव मन की मलिनता ही इस संसार की मलिनता का वास्तविक कारण है। तो आओ मन की आसुरी वृत्तियों को खत्म करने का प्रयत्न करें, क्योंकि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का यही उचित समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। झरझर बहते झरने वह कल कल करती नदियां कितनी सुखदाई लगती हैं। जल तरंगों की आवाज तुम्हें मनोहारी समुद्र तट की याद दिलाती है। असीम सागर की तरह मैं जीवन के हर क्षेत्र में भी तुम सभी आत्माओं से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, मेरा ही नाम है जल, अर्थात पानी। मैं पृथ्वी में 69% समाई हूँ, साथ साथ प्रत्येक शरीर में भी 53% व्याप्त हूँ। तुम्हारे शरीर में मैं इस तत्व के रूप में विद्यमान हूँ। जिह्वा द्वारा जो तुम पदार्थों का रसास्वादन करते हो, वो मेरे बिना संभव नहीं। तभी तो कहते हैं जल ही जीवन है। जल जो न होता तो ये जग जाता जल, जैसी अनेक महिमा गाकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। जहाँ जल का तनिक अभाव होने लगता है, वहाँ मुझे दूध की दरिया और शहद की नदियाँ तक कहने लगते हैं। गंगा, यमुना, सरयू, निर्मल कहते हुए लोग मेरी स्तुति किया करते हैं। तुम जलपान करते प्यास से तृप्ति का अनुभव करते हो। शुद्धता व शीतलता के लिए स्नान आदि में भी मेरा उपयोग होता है। यही नहीं, जीवन जगत के लिए आवश्यक अन्न व फलादि उत्पादन में सिंचाई के रूप में भी मुझे प्रयुक्त करते हो। मंदिरों में चरणामृत व अभिषेक के रूप में मैं कितनी प्रयोग की जाती हूँ। मुझ में डुबकी लगाकर लोग मुझे पतित पावनी भी कहते हैं। देखा, कहाँ नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी शीतलता एवं सुखदायी स्वरूप से लाभ लेने की बजाय
तुमने आज मुझे हदों में विभाजित कर दिया है। ये जल समस्या, जल विवाद, लड़ाई झगड़े सब इसी का ही तो परिणाम है। जगह जगह बांध बनाने तथा गंदगी डालते रहने से धरती ही मरुस्थल बनती जा रही है। तटों को सुखाना, नगरों को बसाना पृथ्वी व पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता जा रहा है, जिसकी परिणति में तुम्हें सुनामी जैसी आपदाओं से जूझना पड़ता है। अमृतमयी नदियों में निर्मल धारा बन बहती ही रहती थी। सबको धोकर शुद्ध करने वाली मैं आज इतनी मलीन हो गई हूँ कि मुझे ही शुद्ध करने की नितांत आवश्यकता आन पड़ी है। मैं सारे संसार की मुफ्त सेवा करने वाली आज बोतलों में बंद दुर्लभ वस्तु बनती जा रही हूँ। मुझे अमूल्य जीवन दान देने वाले का मूल्य लगाकर तुमने मुझे बाजार की वस्तु बना दिया है। मैं तुम्हारे इस दुर्व्यवहार से बहुत ही दुखी और चिंतित हूं। सोचती हूं क्या मेरा गुजरा हुआ स्वर्णिम जमाना फिर से वापस आएगा। तुम खुद ही सोचो मेरे कल और आज के विषय में। पुनः अब विश्व बंधुत्व की अवधारणा को धारण करो, जिससे समस्त जगत में पवित्रता, सुख शांति एवं आनंद की लहर फैल सके। सभी एकता के सूत्र में बंधकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। तुम्हारी सतो प्रधान दृष्टि, वृत्ति, कृति से ही मैं निर्मल, शीतल और स्वच्छ बन पाऊंगी। मैं नहीं समझता कि मेरी पवित्र सेवाओं के विषय में कुछ कहने की जरूरत है। हाँ, ये मैं हूं अग्नि। धरती के अस्तित्व एवं विकास में मेरा ही आधार है, क्योंकि मैं ही सूर्य हूं। मेरी रोशनी के बलबूते पर तुम संसार को देख रहे हो। मेरे बिना तुम्हारा जीवन अंधकार में है। केवल दिन में ही नहीं, रात्रि में भी मैं ही प्रकाश देता हूं। मेरे विभिन्न ऊर्जा स्रोत तुम्हारे रोज की आवश्यकताओं को पूरी कर रहे हैं। प्रकाश एवं ऊष्मा देने के साथ साथ वर्षा होने तथा ऋतु परिवर्तन का भी मैं ही निमित्त कारक हूं। रसोई घर में ईंधन के रूप में मेरा ही प्रयोग होता है। मंदिरों में उपयोग होने वाली दिव्य ज्योति मैं ही हूं। मेरी ही ज्वाला से मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। मैं तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सहारा देता हूं, लेकिन कभी कभी मेरा उपयोग हिंसात्मक कार्यों में भी किया जाता है। क्रोध व हिंसावश आगजनी में सरकारी व गैर सरकारी संपत्ति नुकसान कर देते हैं। अपना वर्चस्व कायम करने के लिए युद्धों में व अन्य युद्धों में मेरा दुरुपयोग कर अपने अहम को सिद्ध करते हैं।
तुमने अप्राकृतिक एवं अनैतिक कृतियों से मुझे इतना गर्म कर दिया है कि आज मेरी गर्मी जानलेवा बन गई है। विश्व तापक्रम को सामान्य रखने वाले वर्षायुक्त बादल व छाया देने वाले पेड़ बहुत कम हो गए हैं, और फिर तुम्हारी अत्याधुनिक जीवन पद्धति ने ओजोन परत में छिद्र करते हुए दुनिया को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा किया है। सृष्टि के आदिकाल में मैं शांत था। दिव्य सृष्टि को उतनी ही गर्मी प्रदान करता था जितनी की आवश्यकता थी। मुझसे किसी को हानि नहीं होती थी। मैं चिर बसंत प्रदान किए था। याद रखो, तुम्हारा अनियंत्रित उपयोग और अनियंत्रित इंद्रिय लोलुपता तुम्हारे हित में नहीं। मनुष्यों के मन में धधकती जब ये काम क्रोध की अग्नि शांत होगी, तब ही मेरी भौतिक अग्नि भी आराम और खुशी प्रदान कर सकेगी। अतः समय के संकेत को समझो और अपने कर्तव्य का पालन करो। माता जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे नामों से पुकारा है। तुम सबकी जन्मदात्री जीवनदायिनी मैं ही हूँ। मैं अनादिकाल से निस्वार्थ भाव से तुम्हें शरीर निर्माण कर देती रही हूँ, फिर नाना प्रकार के पदार्थों से इस शरीर की पालना करती रही हूँ, और तुमने विकारों के वशीभूत हो माँ के सुखदाई स्वरूप को तहस नहस कर डाला है। परिणाम स्वरूप भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी जैसे भयानक तुम्हें भयभीत किए रहते हैं। मातृवत्सला, मैं तुम्हारी परिस्थितियों से बहुत दुखी हूँ। पुराणों इतिहासों में मेरे सौंदर्य और समृद्धि की तुमने कितनी महिमा गाई है। जब धरा पर स्वर्ग था तो मैं सर्व सुख सुविधाओं से भरपूर थी। हरियाली खुशहाली से सदा ही लदी रहती थी। कवियों ने मेरे गुणगान में कविताएं लिखी, चित्रकारों ने खूबसूरत चित्रण किए हैं। मैं मणिमाणिक्य सोने चांदी जैसी संपदाओं से भरी रहती थी, किंतु कलयुगी लोगों की अति लोलुपता और जनसंख्या विस्फोट के कारण मैं तार तार हो दुखी रहती हूँ। मकानों दुकानों को सजाने के लिए तुमने मेरे श्रृंगार पेड़ पौधों को उजाड़ दिया है। ऊंची अट्टालिकाएं बांध व सड़कें बनाने के लिए तुमने कहीं खाइयां खोदी तो कहीं पहाड़ों को छेद डाला और मुझे खाली खोखला कर दिया। अब मैं बिल्कुल ही अपना संतुलन खो चुकी हूँ। फूलों के बगीचे की तरह बहिष्ट कहलाती थी, आप कांटों के जंगल की तरह बिल्कुल रेगिस्तान बनती जा रही हूं। अब पुनः तुम्हें ही अपनी माँ को शस्य श्यामला
उपजाऊ, समृद्ध एवं खुशहाल बनाना होगा। तुम्हारे संस्कार परिवर्तन द्वारा सृष्टि के नव सृजन की मैं आतुरता से प्रतीक्षा कर रही हूँ, ताकि मैं पुनः अपनी संतानों को ममता की छाया प्रदान कर सकूं।